जलपाईगुड़ी जिले में गुरुवार को हुई बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। मृतकों में से 3 की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सुबह घटनास्थल का दौरा किया। मैंने और रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स ने हमने सबने मिलके अभी एक्सीडेंट साइट का पूरा डिटेल्ड इंस्पेक्शन किया है। लोकोमोटिव लोकोमोटिव और पूरे के पूरे एक्सीडेंट साइट के ट्रैक का कंप्लीट अभी इंस्पेक्शन किया है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का इन्वेस्टिगेशन भी ऑर्डर किया है, इंक्वायरी भी ऑर्डर की है और जैसा जैसा लगता है वही ऐसा इक्विपमेंट का फेलियर हुआ है, जिसका कारण क्या हो सकता है वो अभी तय नहीं हो सकता। कोई इक्विपमेंट का फेलियर हुआ है, सडन फेलियर हुआ है किसी इक्विपमेंट का, थोड़ा पीछे करो ये माइक, वो उसके डिटेल जैसे उस इक्विपमेंट को हटा के उसका रूट कॉज पता करेंगे तब एक्चुअल उसका रूट कॉज पता चलेगा। सर लोको पायलट क्या बोल रहा है, लोको पायलट का बयान क्या है? सारी बात की है, लोको पायलट से भी बात की है। ये इक्विपमेंट का फेलियर है, इक्विपमेंट में कोई एक सडन फेलियर हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि उसका रूट कॉज क्या है, किस कारण से वो फेल हुआ है। रेल मंत्री जी से वो साजिश तो नहीं है ना? देखिए मैं किसी भी चीज़ को अभी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं कह सकते, इसका क्या कारण हो सकता है वो कारण और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कि उस पूरे इक्विपमेंट को जब हटाया जाएगा तो किसी भी इक्विपमेंट में उसके मार्क्स निकलते हैं, कुछ निशान निकलते हैं, तो वो निशान किस तरह के निकलेंगे उसको इक्विपमेंट को डिसमेंटल करने के बाद में पता चलेंगे। कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी है, कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी भी पहुंच रहे हैं अभी, वो भी इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद में हम आपको फाइनल बात बता पाएंगे। सर 2009 रेलवे डिसाइडेड टू एलएचबी कोचेस फॉर द पैसेंजर ट्रैवलिंग, बट व्हाई अभी तक भी क्यों ये आईसीएफ कोच यूज हो रहा है इंडियन रेलवे में? अभी सिर्फ और सिर्फ एलएचबी कोचेस का प्रोडक्शन हो रहा है, कोई आईसीएफ कोचेस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। पुराने आईसीएफ कोचेस को बहुत तेजी से फेज आउट किया जा रहा है। इसमें कोच का इशू नहीं है, ये इशू लोकोमोटिव के एक इक्विपमेंट का इशू है। ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड भी मैटर नहीं है, ट्रैक से रिलेटेड मैटर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ ये लोकोमोटिव के इक्विपमेंट का इश्यू है। कोई नेग्लिजेंस है सर? कोई नेग्लिजेंस? मैंने जाके इंस्पेक्शन किया है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मुझे इस चीज की सब्जेक्ट की समझ है, क्या फेलियर का रूट कॉज है वो समझ में आया है, लेकिन उसका पीछे क्या कारण है वो तब पता चलेगा जब उस इक्विपमेंट को डिसमेंटल करेंगे, डिसमेंटल करके उसके अंदर जो भी निशान होंगे वो निशानों को ढंग से स्टडी करके ही पता चलता है। मतलब हॉस्पिटल जाएंगे हॉस्पिटल में? सर इस दौरान मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर जिन लोगों को मौत हो गई उन लोगों को हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सर जिन लोगों को मौत हो गई दुर्घटना से उन लोगों को क्या दी जाएगी? मुआवजा ऑलरेडी बांटना चालू हो गया है, देना चालू हो गया है, जो जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, दिवंगत हुए हैं, उनके लिए उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपये दिए जा रहे हैं और जिनके ग्रीवियस इंजरी हुई है उनको 1 लाख रुपया और जो सिंपल इंजरी है उनके 25,000 रुपये। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका रिपोर्ट आ जाएगा, क्योंकि मोटा मोटी डायरेक्शनल किस कारण से किस इक्विपमेंट के कारण इश्यू हुआ है वो समझ में आ गया है, लेकिन उस इक्विपमेंट को खोले बिना उसके पीछे का रूट कॉज नहीं पता चला। सर सीआरएस इंस्पेक्शन सरकार और क्या क्या मुआवजा देगी? सर आज से सर सरकार उनके परिवार के प्रति और क्या क्या मुआवजा देगी? देखिए मुआवजा जो रेलवे का है वो ऑलरेडी देना चालू हो गया है और इसके अलावा हमारा मेन एम रहेगा कि रूट कॉज को पता करके भविष्य में वो जो भी डिजाइन का इश्यू हो और किसी भी कारण से इक्विपमेंट का इश्यू हो उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अभी तक कैजुअल्टीज में जो अभी
जो रिपोर्ट हैं और हॉस्पिटल्स में जो हमको रिपोर्ट मिली है उसके हिसाब से 9 डेथ और 36 इंजरीज हैं, इसमें ग्रीवियस 10 इंजरीज हैं, 26 सिंपल इंजरीज हैं। और 36 में जो है 36 जो हमारे 3 हॉस्पिटल हैं उसमें एडमिट है। सर रेस्क्यू ऑपरेशन क्या हो चुका है? कुछ पता चला? रेस्क्यू ऑपरेशन जो पैसेंजर वाला तो कल हो गया था। हाँ सर, अब रिस्टोरेशन हो रहा है जिससे ये कोचेस को उठा के और ट्रैक को रिस्टोर करा जा रहा है और हम लोगों को उम्मीद है कि 13 बजे तक इसको रिस्टोर कर देंगे। सर क्या लगता है ये हादसा कैसे हुआ? सर उसके लिए अभी CRS इंक्वायरी जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है वो इंक्वायरी करेंगे, वो दोपहर को यहाँ आएंगे, उसके बाद इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो हादसों की जो कारणों के बारे में पूरा इंक्वायरी होने के बाद में ही बताया जाएगा। कुछ प्राइमरीली कुछ पता चल रहा है कि क्यों? प्राइमरीली अभी कुछ नहीं, प्राइमा फेसी कुछ कह नहीं सकते और क्योंकि CRS का वो है तो हम लोग उस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। सर मिलिटेंट कोई एक्टिविटीज सर कुछ अभी कुछ नहीं कह सकते। मौके का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री वैष्णव ने कहा हादसे की जांच शुरू हो गई है, PM नरेंद्र मोदी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और मैं उनके सतत संपर्क में हूं, मैं घायलों की जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं।